सीएम मोहन के साथ सेल्फी लेने पहुंचे भाजयुमो मंडल अध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी ने हाथ पकड़कर मंच से उतारा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने क्षेत्र का दौरा करने के साथ कार्यकर्ताओं से भेंट की, साथ ही कई जगहों पर रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। इसी चुनावी दौर के सिलसिले में वह सिवनी जिले के घनसौर में पहुंचे थे। इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वाक्य हो गया। सीएम की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने भाजयुमो मंडल अध्यक्ष को मंच से उतार दिया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सिवनी के घनसौर पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए मंच बनाया गया था, जहां सभी नेता बारी बारी से उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। तभी घनसौर क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आदित्य तिवारी मंच पर सीएम के साथ सेल्फी लेने पहुंच गए। भाजयुमो नेता मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था, तभी उनकी सिक्योरिटी में मौजूद जवान ने उन्हें रोक दिया और हाथ पकड़कर मंच से नीचे उतार दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।